नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। और मॉब लिंचिंग के विरोध में प्रदर्शन कर बवाल करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने आज गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के नए एसएसपी अजय साहनी ने दंगे के आरोपी बदर पर 5,000 का इनाम रखा था। बदर अली पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने और प्रशासन के मना करने के बावजूद भी लोगों को इकट्ठा कर जबरन जुलूस निकालने का आरोप था। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 49 लोगों को मॉब लिंचिंग मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बदर अली को आज थाना ब्रह्मपुरी इलाके के शॉपरिक्स मॉल से सदर थाना पुलिस और थाना देहली गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एसएसपी का कहना है कि बदर को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। गौरतलब है कि मेरठ में रविवार को मॉब लिंचिंग के विरोध में पहली फैज-ए-आम कॉलेज में अल्पसंख्यकों ने एक सभा की। हालांकि उन्हें सभा करने या शांति मार्च निकालने की अनुमति पुलिस प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके कानून का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला गया और पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इस प्रकरण में मेरठ के तत्कालीन एसएसपी और आईजी का ट्रांसफर हो गया था। जाहिर है सरकार इस मामले पर काफी ज्यादा सख्ती बरते हुए है। इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे। इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। नमस्कार।